हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों से ब्यूटी रिलेटेड टिप एंड ट्रिक जो भी है शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग एक हेयर केयर टिप लेकर आई हूँ। एक नहीं, 10 हेयर केयर टिप लेकर आई हूँ, जिससे आप जो डे टू डे लाइफ में जो रूल्स फॉलो नहीं करते वो भी करोगे, और साथ ही जो मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक भी आपकी बंद हो जाएगी, और जिससे आपके हेयर बहुत ही हेल्दी, शाइनी एंड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो पे जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी आप मेरे चैनल को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, आप जब भी अपने बालों को वॉश करें तो गर्म पानी से बिल्कुल वॉश ना करें, हमेशा बालों पे ठंडे पानी का यूज़ करें। अगर ठंडा पानी ना यूज़ कर सके तो एटलीस्ट बालों में गुनगुने पानी से आप वॉश कीजिए, गर्म पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि गर्म पानी यूज़ करने से आपके बाल बहुत ही डैमेज्ड हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। टिप नंबर 2, कभी भी ड्राई बालों पे शैम्पू ना करें, हमेशा बालों को आप ओवरनाइट ऑयलिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ड्राई बालों पे शैम्पू करोगे तो आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके रूट्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमेशा बालों को शैम्पू करने से पहले ओवरनाइट ऑयलिंग का यूज़ ज़रूर करें। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते, बस आपको ऑयलिंग करना ज़रूरी है। कभी भी आप सूखे बालों पर शैम्पू ना करें। टिप नंबर 3, गीले बालों को इस तरह झाड़ना नहीं है, इससे स्प्लिट एंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको उसे टॉवल से ड्राई करना है। टिप नंबर 4, बालों में कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करिए। अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप लिव इन कंडीशनर का यूज़ ज़रूर कीजिए। गीले बालों पे लिव इन कंडीशनर लगाने से आपके बाल मैनेजेबल हो जाते, टैंगल फ्री हो जाते, जिससे आपके हेयर फॉल रिड्यूस हो जाते। अगर आप लिव इन कंडीशनर का भी यूज़ ना करना चाहें तो आप आमंड ऑयल लेकर यूज़ कर सकते हो, बस गीले बालों पर आपको ज़रा सा आमंड ऑयल लगा लेना है, उससे भी आपके बाल टैंगल फ्री हो जाए। टिप नंबर 5, गीले बालों पे ब्रश का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्रश के ब्रिसल से हमारे बाल और ज़्यादा उलझते हैं, और गीले बालों पे हमारे रूट जो है वो कमज़ोर होते हैं, इस वजह से हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टिप नंबर 6, अपने बालों को डिटेंगल करने के लिए हमेशा वाइट टूथ कॉम्ब का ही यूज़ करें। इस तरह की कंघी से आपके बालों के जो टेंगल्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, आपके बाल उलझते नहीं हैं, आपके बाल बहुत ही इजीली वो टेंगल्स रिमूव कर देगा। टिप नंबर 7, जब आप बालों को वॉश करें तो आपके बाल जब पूरी तरह से क्लीन हो जाए, धुल जाए, उसके बाद आपको एक मग पानी में हाफ लेमन लेना है, उसको अच्छे से आपको पानी में मिक्स करना है, और उस लेमन वाले पानी से आपको अपने हेयर वॉश करने हैं, इससे आपके बाल बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे। टिप नंबर 8, अपने बालों पे हेयर पैक का इस्तेमाल ज़रूर करें वीक में एक बार। ऑलरेडी मैंने आप लोग से वो वीडियो शेयर किया हेयर पैक का, अगर आप लोग ने नहीं देखा है, मिस हो गया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीक में हेयर पैक यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपके बाल बहुत ही नरिश एंड शाइनी रहते हैं। टिप नंबर 9, अपने बालों में स्टाइलिंग टूल का यूज़ रेगुलरली ना करें, इससे आपके बाल डैमेज्ड होंगे, डिहाइड्रेटेड होंगे, और आपको हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। इसलिए अपने बालों पर स्टाइलिंग टूल का यूज़ करें, बट कभी कभी ओकेजनली, डेली बिल्कुल यूज़ नहीं करें। लास्ट एंड टिप नंबर 10, अपने बालों में जब भी आप ऑयलिंग करें तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर लें, हमेशा गर्म, हल्के गर्म, एकदम गर्म नहीं, हल्के गर्म तेल से आप अपने बालों को मसाज करें, इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, और जो आपके बाल नरिशमेंट नहीं मिलता था उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि मम्मी दादी सब कहते थे कि हमेशा बालों को हल्के गर्म तेल से मालिश करना चाहिए, तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए।
तो ये थे मेरे 10 अमेजिंग हेयर केयर टिप्स। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये 10 अमेजिंग हेयर केयर टिप्स कैसा लगा। अगर आप और भी कुछ भी यूज़फुल वीडियोस चाहते हैं और हेल्थ केयर या हेयर केयर या ब्यूटी केयर रिलेटेड कुछ भी वीडियोस चाहते तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आ सकूँ जल्द से जल्द। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पर बाय बोलने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ, बाय।